नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी सिंह आपका स्वागत है टेक्निकल लेडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं आपके लिए बिजनेस से जुड़े नए वीडियो लाती रहती हूँ। तो दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं फरीदाबाद में। इस बिजनेस को लाकर आप महीने के 2 लाख 3 लाख यानी कि 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो। तो दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है जिसकी डिमांड हर गली मोहल्ले में, हर गाँव में, हर कस्बों में और हर शहर में होती है। इसलिए आप इस वीडियो अंदर जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपने देख लिया YouTube पर आपको वीडियो देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक दीजिए। ऐसे हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको पूरी फैक्ट्री टूर कराएंगे। तो दोस्तों मैं शिल्पी सिंह आपका स्वागत है टेक्निकल लेडी में। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों का नाम बताइए, आपकी कंपनी कहाँ पर, पूरा एड्रेस बताइए। मेरा नाम राहुल है, हमारी कंपनी का नाम वीरी मोबिलिटी है, हमारा ऑफिस गाजियाबाद में है, हमारी फैक्ट्री फरीदाबाद में। अच्छा, तो सर आज की वीडियो में आप हमारे दर्शकों को कौन सा बिजनेस बताने जा रहे हैं? दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ई रिक्शा हम बनाते हैं। अच्छा। और कैसे आप इसके साथ जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप डीलरशिप लेंगे। तो चलिए सर पूरी जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर्स के, ताकि वो भी वीडियो देखकर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। बिल्कुल, चलिए सर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम अपनी फैक्ट्री में खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे ई रिक्शा के बन रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे ई रिक्शा की असेंबलिंग चल रही है। सबसे पहले हमारे पार्ट्स बन रहे हैं, जो चीज देख पा रहे होंगे ये चीज है जो फ्रेम होता है ई रिक्शे का। अच्छा, वो यहाँ पे रेडी हो रहा है। किसी भी टाइप का रिक्शा देखा होगा आपने, उसका जो मेन होता है वो चेचिस होती है, फ्रेम होता है, मेन पार्ट फ्रेम। यहाँ पे सारे रेडी हो रहे होंगे, जितने भी आप देख पा रहे होंगे इस एरिया में, ये सारे फ्रेम है रिक्शों के। इसके बाद ये रेडी होने के बाद हम इसके ऊपर का फ्रेम बनाते हैं कि कौन लोडर ले रहा है, कौन पैसेंजर ले रहा है, कौन वेस्ट वाला मटेरियल वाला ले रहा है। तो ये अपना चेचिस रखा हुआ है सारा, ये हमारा वेस्ट वाला बन रहा है ई रिक्शा, जिसमें हम कचरा डालते हैं वो वाला बन रहा है। इसके बाद ये देख पा रहे होंगे ये लोडर के लिए बन रहा है, इस कंपार्टमेंट में हम बैटरी रखते हैं जिससे ई रिक्शा चलता है। तो मेन इनिशियल स्टेज हमारा यही होता है जहाँ पे हम रिक्शे का फ्रेम तैयार करते हैं। जी जी। इसके बाद देख पा रहे होंगे ये हमारे फ्रेम सारे अभी भी रेडी हो रहे हैं। जो भी चाहते हैं, जो भी कंपनियां लेते हैं, उनको जो पहला ऑर्डर होता है वो यहीं से शुरू होता है। ये सारे जो है ये देख पा रहे होंगे, ये इतना सारा जो स्टॉक रखा हुआ है, सारे पार्ट तैयार होते हैं, पार्ट तैयार होते हैं। हाँ मैम, ये सारा फ्रेम रखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे ये लोडर होता है जिसमें माल ढोते हैं। अच्छा, वो अच्छा। फ्रेम रखा हुआ है जी। ये फ्रेम जो देख पा रहे होंगे ये पैसेंजर रिक्शे वालों का रखा हुआ है। अच्छा सर। जिनको सवारी गाड़ी बनवानी होती है जी, जी। वो इस टाइप का चीजें हम तैयार करते हैं जी सर। इसके बाद अगर हम बात करें इनिशियल स्टेज के बाद की, तो आप देख पा रहे होंगे हम आपको वो मशीन दिखाते हैं जिससे ये फ्रेम हम रेडी करते हैं। तो वो कौन सी मशीन दिखाने जा रहा है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मोल्डिंग मशीन्स हैं जी। इन मशीनों से ही हम शीट को पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। मोल्ड करते हैं, बेंड करते हैं। वो जैसे कि देख पा रहे हो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। इस फैक्ट्री के अलावा हमारी जो दूसरी फैक्ट्री है हम वहाँ भी यही काम करते हैं, ऐसी ही मशीनें रखी हुई है। तो सर आपकी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर है? मैम फरीदाबाद में ही है, तीन फैक्ट्री है हमारी। हाँ, तो अलग अलग पे अलग अलग काम होते हैं। इतनी सारी बड़ी मशीनें, जो बड़ा काम है वो सारा हमारा दूसरी फैक्ट्री में होता है। अलग अलग जगह काम होता है। हाँ मैम बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमने फ्रेम तैयार कर लिया। हाँ जी सर। इसके बाद जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कौन सा कलर चाहिए, क्या क्या अपने रिक्शे में उनको लगवाना है, तो वो सारी काम हम असेंबली करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो अभी हमारे रेडी हो रहे हैं ये वेस्टेज वाले रिक्शे तैयार हो रहे हैं। हाँ, ये कंपनी का ऑर्डर आया हुआ है, ये यहाँ से गुवाहाटी जाने को है मैम। तो हम ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं माल। तो ये जैसे वेस्ट वाला तैयार हो रहा है, जैसा कि आप पीछे देखेंगे तो ये हमारे पैसेंजर वाले रिक्शे रखे हुए हैं। तो ये भी हमारे असेंबल होने को है। तो पैसेंजर वाले हो, चाहे लोडर वाले हो, चाहे ई कार्ट हो, चाहे वेस्ट वाले हो, हम सब कुछ असेंबल करते हैं। इसके अलावा हर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि रिक्शे में हम हर एक चीज बहुत उत्तम क्वालिटी के लगाएं और एक जेन्युइन चीज दें जिससे कि लोग हमसे जुड़े रहें। मतलब बहुत मजबूत रिक्शा बना, मजबूत बना जी, शिकायत ना है, कोई शिकायत ना है। हर एक चीज हम इन हाउस करते हैं। अभी कोई भी चीज है हम उसकी साल भर की गारंटी लेते हैं कि साल भर में पूरे रिक्शे में अगर किसी भी दिक्कत चीज में कोई भी दिक्कत होगी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रिप्लेस करेंगे। चाहे वो आप बैटरी ले लो, चाहे वो आप चार्जर ले लो, और चाहे रिक्शे का कोई भी छोटा से छोटा पार्ट ले लो। हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि रिक्शे में हर एक चीज हम उत्तम क्वालिटी की लगाएं और हर एक चीज लगाएं, चाहे वो मल्टीमीडिया सिस्टम हो आपका वो भी लगा के देते हैं, स्पीकर लगा के देते हैं,
वो ऑयल होल्डर लगा के देते हैं। कुछ लोगों को जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वेस्टेज वाला है तो इसमें हॉर्न लगवाते हैं। अब ऊपर देख रहे हैं हॉर्न लगा हुआ है और जो पैसेंजर वाले होते हैं उसमें हम एलईडी लगाते हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है इसमें हम रिक्शों की असेंबलिंग करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा उनको बनवाना होता है हम उसको वैसा बना के देते हैं। मतलब जैसे ऑर्डर आता है जैसा ऑर्डर आता है जी मैम। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था अभी कंपार्टमेंट जिसमें हम बैटरी लगाते हैं, तो ये चार बैटरी इसमें लगी होती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये चारों बैटरी की बात करें तो साल भर की गारंटी होती है और इसके बाद एक बार चार्ज करने पर लगभग 100 किलोमीटर चलती है। हर एक चीज में क्वालिटी रहते हैं। मान लीजिए आपकी अगर बैटरी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है सारा बैटरी का। ये ईस्टमैन की बैटरी रखी हुई है, कंपनी की बैटरियां हैं। हर एक चीज आपको कंपनी की हम देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। साल भर की वारंटी है बैटरी की भी। कभी भी आपको अगर मान लो बैटरी में कोई इश्यू आता है तो 2 से 3 दिन में आपकी बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दी जाएगी। मतलब बैटरी को अलग से ले सकता है, अलग से बैटरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत भी आती है तो भी ऑन हैंड टू हैंड उनकी रिप्लेस भी कर दी जाएगी। हमारा इस बिजनेस करना चाहता है वो आपसे जोड़ना चाहता है वो किस प्रकार जोड़ सकता है मैम, वो भी आपको बताएंगे। पहले पूरा प्लांट दिखाते हैं जैसे उनको कंफर्म हो जाए कि हाँ हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पे ही रिक्शे बनते हैं। और उसके बाद उनको क्वालिटी की भी जिम्मेदारी लेते हैं और उसके अलावा रेट की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको जो रेट मिलेंगे वो जेन्युइन रेट मिलेंगे, जेन्युइन क्वालिटी मिलेगी। इसके अलावा आपको मैंने एक प्लांट दिखा दिया, चलिए और आपको दिखाते हैं। ये आपने देख लिया, ये ईस्टमैन की बैटरी रखी हुई है, ये स्टॉक हमारा रखा हुआ है, ये आपका लिव गार्ड की बैटरी रखी हुई है, देखिए। अच्छा सर। हाँ, तो बैटरी की हम गारंटी लेते हैं, जो भी बैटरी लगाएंगे वो गारंटी लेंगे, क्योंकि हम जब चीज अच्छी देंगे तभी तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि कभी भी कोई हमारे साथ जुड़े और उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, धोखा मिले। हाँ, धोखा मिले ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम हर एक चीज की गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि लोग से जुड़ेंगे तभी वो पैसे कमाएंगे, तभी हम पैसे कमाएंगे, क्योंकि ये एक रिकरिंग काम है। एक बार रिक्शे खरीद के बेच के कोई बंद नहीं कर देगा, हम कंटिन्यूअस लेता रहेगा। नहीं, चीज ऐसी बार नहीं खरीदता है इंसान, एक बार चीज पैसा, एक ही बार खरीदता है। इसके अलावा रेपुटेशन का ध्यान रखना होता है हर एक चीज का, कि कल को कोई खरीद ले तो 4 महीने में उसको कोई दिक्कत ना हो। जी सर। और भी चीज आपको दिखाते हैं, आइए। ये तो आपको बैटरी दिखा दी, असेंबलिंग दिखा दी। बहुत बार क्या होता है कि लोग हम जो रिक्शे भेजते हैं वो 2 तरीके से भेजते हैं। जी। पहला हम रेडी करके भेजते हैं पूरा रिक्शा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने ये रेडी रिक्शे हम सप्लाई कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ हम डिसेंबल करके भेजते हैं। जी, जी। बहुत लोग कैसे करते हैं कि बड़े बड़े हमारे पे स्टॉकिस्ट बन जाते हैं, जी, जी। जिसमें वो 20 से 25 तरीके से एक साथ खरीदते हैं। अच्छा। जिनको इन्वेस्टमेंट करने का मतलब मन करता है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम उनको ऐसे करके डिसेंबल में भेज देते हैं, जिससे कम स्पेस में ज्यादा रिक्शे चले जाते हैं। अब सेटअप करके भेजेंगे तो जगह ज्यादा एक्वायर करेंगे, ज्यादा जगह घेरेंगे। वहीं अगर हमें 20-25 रिक्शे भेजने होंगे तो कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम ज्यादा रिक्शे भेज पाएंगे। अच्छा, और वहाँ फिर हाँ इस तरीके से भेजते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 6-6 हमारी पैक कर दी गई है। ऊपर देख पा रहे होंगे ये सारे पार्ट्स पैक कर दिए गए हैं, ये डिसेंबल होके जा रहे हैं, स्टॉकिस्ट वालों के लिए जा रहे हैं। ऐसे हर एक पार्ट भेजते हैं, उसके बाद अपना ऑपरेटर भेजते हैं, वो आपके यहाँ जाके सारे रिक्शे सेट करेगा, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अच्छा, जैसे कि वो सब करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो रिक्शे आप देख पा रहे होंगे ये वेस्टेज के आपने अंदर देखे जो अभी रेडी हो रहे थे, ये फुल एंड फाइनल रेडी रिक्शा खड़ा हुआ है। अलग अलग कंपनी के हम जैसा ब्रांड बताएंगे हम वो भी बना के दे देंगे। मीटर देख रहे होंगे, बढ़िया मीटर लगाया है। इसके अलावा अगर बोलेंगे तो इसमें मल्टीमीडिया मीटर भी लग जाएगा, बहुत अच्छा लग जाएगा। इसके अलावा वेस्टेज वाले बन रहे हैं यहाँ पे, हर एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया है कि आपको कोई चीज मिले तो जेन्युइन मिले। क्वालिटी का बहुत ध्यान, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा गया है, रेट का बहुत ध्यान रखा गया है, हर एक चीज का। आइए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ फैक्ट्री में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो हमने इस टाइप के चेचिस या फ्रेम रेडी करे थे, उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पे कलर करते हैं। किसी को काला, लाल, नीला, हरा, जैसा रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा माल रेडी करके दे देते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा वैसे ही इस टाइप का जो भी चेचिस होगा उस पे हम उनके कस्टमर के अकॉर्डिंग कलर करेंगे। सामने आप देख पा रहे होंगे ये कलर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम जैसा आपने अंदर असेंबलिंग देखी ये उसका पार्ट तैयार हो रहा है और ब्लैक कलर की फ्रेमिंग तैयार करी जा रही है। हाँ, कलर होने के बाद ये हमारा असेंबलिंग लाइन में जाएगा जहाँ पे और भी पार्ट इसमें लगाए जाएंगे और रिक्शे रेडी किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम स्टॉक की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सामने देखिए ये हमारा चेचिस जहाँ पे रेडी होता है। पीछे आपने देखा वहाँ पे वेल्डिंग हो रही थी, वहाँ रेडी होने के बाद यहाँ पे हम इसको स्टॉक करते हैं। ऐसी ही हमारी 3 और फैक्ट्री है जहाँ पे हम और भी काम करते हैं। अच्छा। बेंडिंग का काम हो गया,
CNC का हो गया, डिजाइन बनाना हो गया, वो हम अपनी और फैक्ट्री में करते हैं। अच्छा। ये इसका रॉ मटेरियल रखा हुआ है। अच्छा, उसी रॉ मटेरियल से हम रिक्शे बनाते हैं, तैयार होते हैं। तो आपको मैंने दिखा दिया कि हम कैसे रिक्शे तैयार करते हैं, जिससे कि आपको ये लग जाए कि जहाँ से आप बात करने जा रहे हैं, जहाँ आप जुड़ने जा रहे हैं, वहाँ आपको सारी चीजें मिल रही है। इन हाउस फैक्ट्री है, जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा उनको बना के दे देंगे। विश्वास हो रहा है। जी मैम, ये चीजें हैं। देखिये, मैंने आपको अपनी फैक्ट्री दिखा दी, ये भी बता दिया कि रिक्शा कैसे बनता है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होती है विश्वास कि आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, 5-10 लाख 15 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं, तो आप जिनके साथ जुड़ रहे हैं वो कैसे बनाते हैं, क्या चीज करते हैं, उसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इंसान मान लीजिए हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, जैसा कि आपको भी पता है हर जगह आजकल रिक्शे चल रहे हैं, गांव कस्बे देहात में, तो क्यों ना हमारे साथ जुड़ के इन रिक्शों को बेच के आप अपने गांव कस्बे से ही 2-4 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप चाहें तो हमसे डीलरशिप लेके और रिक्शों को बेच के या फिर एक बड़े लेवल पे स्टॉकिस्ट करके भी पैसे कमा सकते हैं। अगर बात करें क्वालिटी की, तो आपने देख लिया कि हम आपको क्वालिटी अच्छी देंगे ही देंगे, बाकी हम आपको रेट की भी गारंटी देते हैं कि जिस रेट में हम आपको देंगे उसका कोई दे भी नहीं पाएगा, और मार्केट में जितने भी लोग हैं उससे सस्ता ही आप जोर पर दोगे, तो आपकी मेरी गारंटी है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, चाहे वो लोन हो, चाहे पेपर हो, चाहे GST हो, चाहे क्वालिटी हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इस बात की गारंटी देंगे कि हम आपका ख्याल रखेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पैसे कमाएंगे, इससे बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। बस आपका मन होना चाहिए कि हाँ मुझे व्यापार करना है, क्योंकि आपको भी पता है जहाँ से भी आप देख रहे हैं आपके यहाँ भी रिक्शे चल रहे होंगे, हर जगह रिक्शे चल रहे हैं, क्योंकि मुनाफे का सौदा है ना। रिक्शा एक बार आदमी खरीद लेता है, दिन का 1000 से 1500 रुपए कमा रहा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं अपने रिक्शे की क्वालिटी की बात करूँ तो एक बार चार्ज करने के 4-5 घंटे में रिक्शा पूरा तैयार हो जाता है चार्ज हो जाने के लिए। इसके बाद एक बार चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर इसको आराम से आप चला सकते हैं। रिक्शे पे हम 1 साल की गारंटी देते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक चार्जर देते हैं, इसके अलावा बैटरी का हो, चाहे रिक्शे का कोई भी पार्ट हो, साल भर की पूरी गारंटी देते हैं। कोई भी पार्ट में समस्या आएगी तो 2 से 3 दिन में हम उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। हमसे जितना भी बनेगा हम सब करेंगे, बस आपके अंदर मन होना चाहिए व्यापार करने का। आप जुड़िए, सवाल तो बहुत सारे होते हैं मन में, कोशिश मैंने करी है कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दूं, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो जिसका जवाब मैंने ना दे पाया हो, तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कीजिए, हमारे स्टाफ से बात कीजिए, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे और बता देंगे कैसे आप जुड़ेंगे हमसे। आप चाहो तो आप जब भी मन करे हमारी फैक्ट्री में आ जाइए, हाँ आइए, देखिए, समझिए, और अगर आपको विश्वास हो गया हो तो भैया वहाँ रह के भी आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको ऑल इंडिया डिलीवरी तो है ही हमारी, जहाँ बताएंगे वहाँ भेज देंगे। बिल्कुल मैम, ऑल इंडिया सप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, क्वालिटी क्वांटिटी और गारंटी मेरी है इस बात की कि आपको चीज बढ़िया मिलेगी और कम रेट में सस्ते में मिलेगी। जी मैम, जी मैम, आपसे जुड़ना चाहता है, मैम देखिए क्या होता है, अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है और डीलरशिप लेना चाहता है, तो आज के टाइम में कोई भी हमारे पास आपके पास कस्टमर आएगा तो वो ऑप्शन देखेगा, उसे कलर ऑप्शन भी चाहिए होंगे, डिजाइन भी चाहिए होंगे, तो कम हाँ कम से कम आपको 8 से 10 रिक्शे लेंगे तभी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एवरेज आएगा। इसके अलावा कस्टमर आएगा तो आप उसको ऑप्शन दे पाओगे, किसी को लाल चाहिए, किसी को हरा चाहिए, किसी को काला चाहिए, इसके अलावा लोडर भी ऑप्शन आ जाता है, इसके अलावा इससे अच्छा जो वेरियंट आता है SS में आता है, तो आपके पास कम से कम 8 से 10 रिक्शे तो होने चाहिए ना जिसमें आप दिखा सको, तभी तो कस्टमर चूज करके लेगा। आप 1-2 रिक्शे रखोगे तो कहाँ से कोई कस्टमर चूज करके ले पाएगा। तो अगर आप प्रॉपर मन बना लिया है, बेचना ही है, काम करना ही है, तो कम से कम 8 से 10 रिक्शे आप सोच के चलो, कम से कम 6-7 तो सोच के ही चलो कि अगर आपके पास 6-7 लाख रुपए है तो आपका हम शुरू कर सकते हैं और महीने का 2-3 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप बिजनेस लेना चाहते हैं, सर से जोड़ना चाहते हैं, या सर को बिजनेस करना चाहते हो, बस एक फोन करिए, सर आपको पूरी जानकारी देंगे, फैक्ट्री पूरा शुरू कराएंगे, बस फोन घुमाइए और ये बिजनेस शुरू करिए।
तो सर आपने हमारे 10 रुपए इस फैक्ट्री में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके दिल्ली वाले बहुत अच्छी जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू आपका जो आप हमारी फैक्ट्री में आए और आपने ये सब कस्टमर को दिखाया, क्योंकि जब तक कस्टमर को क्लियरिटी नहीं होगी तब तक वो 8-10 लाख इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो सबसे पहले थैंक यू आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पे आए, हर एक चीज सबसे दिखाई, इससे आदमी को फेथ हो जाएगा कि हाँ, और लोगों तक बात ये पहुंचेगी, सभी लोग इसमें पैसे कमा पाएंगे अपने गाँव का इतिहास। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे ली, अगर आप इस दिन कोई जाएंगे रखना चाहते हैं या तुमने कोई भी सवाल है, नीचे के नंबर संपर्क कर सकते हैं और हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।